हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। वेलकम टू यमी ट्रीट्स विद मीना। आज हम बनाने जा रहे हैं मखाने की पंजीरी, वो भी आप जैसे प्रसाद के लिए बनाते हैं उस तरह से हम बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पर हम एक पैन लेंगे और उसके अंदर घी डालेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये प्रसाद की पंजीरी है तो हम इसको घी में ही बना रहे हैं। आप चाहें तो ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 कप मखाने लिए हैं मैंने, और इसको हम अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। आप इसको तेज़ आँच पर नहीं पकाएँ, क्योंकि ये जल्दी से जल जाते हैं और आप इसको क्रिस्पी होने तक निकाल लें। अब देखिए, जैसे वो ठंडे हो गए थे, हमने इसको निकाल लिया है। अब उसके साथ साथ हम उसी पैन में थोड़ा सा घी डालकर हमारे नट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। जो भी नट्स आपके पास हैं या आप जो खाते हैं, उनको थोड़ा सा बड़ा बड़ा काट कर हम इस तरह से भून लेंगे। लो फ्लेम पर ही हमें इसको भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। तो देखिए, अब जैसे ही हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारे मखाने भी जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, और इसको इसमें से मैं थोड़े से एक मुट्ठी जो है वो रख लूँगी, और बाकी के बाकी जो हैं वो हम मिक्सर जार में डालकर अच्छी तरह से इसका एक पाउडर फॉर्म बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2-3 इलायची ली है, हरी इलायची लेंगे हम। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा रोस्ट करके ले सकते हैं। और इसको मैं इसको थोड़ा सा ददरा सा जो है वो अच्छी तरह से कूट लूँगी। हमें इसको इसी तरह से करना है तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, और इसका छिलका हम निकाल देंगे। तो देखिए, हमारा पाउडर जो है वो बन के तैयार हो गया है। तो हम एक प्लेट या एक बड़ा सा जार लेंगे और उसके अंदर हम इसको डाल देंगे। और इसके साथ साथ मैं इसके अंदर बूरा शुगर जो है वो डाल रही हूँ। अगर आपको बहुत आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, थोड़े से मखाने जो हमने पीसे थे। और यहाँ पर मैं किशमिश भी डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसको भून कर भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर और जो हमने ड्राई फ्रूट्स भुने थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा जो है ये हमारा पंजीरी जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। और इसको लड्डू बनाने के तरीके के लिए आप प्लीज़ मेरी रील ज़रूर देखें। नेक्स्ट रील जो है वो इसके लड्डू बनाने की ही है। तो अगली बार हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।